बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम तथा हिंदू जनजागृति जो समिति है उनके सभी सनातनी योद्धाओं को प्रणाम करता हूँ जो इस पुण्य कार्यक्रम को करवा रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे धर्म योद्धाओं को नमस्कार करता हूँ। मंच पर सभी बुद्धिजीव सबका अभिनंदन करता हूँ और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आप समक्ष आपके बीच यहाँ पर उपस्थित होकर मैं अपनी बातें रखूँगा। आज के इस कार्यक्रम में मुझे सबसे पहले भारत के महान कवि मैथिली शरण गुप्त जी के कुछ पंक्तियाँ याद आ गईं। उन्होंने कहा था कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारे आज मिलकर। जो हमारी सनातन संस्कृति, प्राचीन सनातन संस्कृति एक समय में पूरे विश्व में थी। अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक हम थे, सभी हिंदू थे, सभी का धर्मांतरण हुआ, सभी का शोषण हुआ और वो क्षेत्र भारत के हिस्से में अब नहीं है। बड़ा दुख का विषय है। इतिहास साक्षी है कि जिन क्षेत्रों में हिंदू अल्पत में आए हैं वो क्षेत्र भारत से कटता गया है। हिंदू घटा है और देश बटा है। ये गंभीर चिंता का विषय है। और मैं जहां से हूं, छत्तीसगढ़ एक जनजातीय राज्य है और वहां पर धर्मांतरण बहुत जोरों से चल रहा है। ये धर्मांतरण करने वाले आसुरी शक्तियां, ये षड्यंत्रकारी शक्तियां सेवा के नाम पर सौदा करते हैं, होले बाले आदिवासियों को भला फुसला कर इनका धर्म परिवर्तन करते हैं, सेवा के नाम पर सौदा करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण जोमो केन्याटा जी, जो कि कीनिया के राष्ट्रपति थे 1960 के दशक में, उन्होंने कहा था, व्हेन द मिशनरीज अराइव्ड द एफ्रिकन हैड द लैंड एंड द मिशनरीज हैड द बाइबल, दे टॉट अस हाउ टू प्रे विद वन आईज क्लोज्ड, व्हेन वी ओपन देन दे हैड द लैंड एंड वी हैड द बाइबल। इसका मतलब क्या हुआ? ये धर्मांतरण इन्होंने किया और बाद में राष्ट्रांतरण हो गया और यही वो भारत में कर रहे हैं, खास करके ट्राइबल क्षेत्रों में। यह बहुत ही गंभीर विषय है। ये राष्ट्र सुरक्षा का विषय है क्योंकि ये धर्मांतरण नहीं, राष्ट्रांतरण है और इसको हमको सबको मिलकर रोकना चाहिए। क्योंकि अगर धर्मांतरण नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं बनता, बांग्लादेश नहीं बनता, कश्मीर में समस्याएं उत्पन्न नहीं होती, नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस नहीं होते। जहां हिंदू अल्पमत में आए हैं, जहां पे हिंदू माइनॉरिटीज में आए हैं, वो क्षेत्र डिस्टर्ब हुए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में ही देख लीजिए आप, जहां हमारे आदिवासियों का कन्वर्जन हुआ है वहां पे नक्सल गतिविधियां बढ़ी हैं, वहां गैर कानूनी एक्टिविटीज बढ़ी हैं, क्योंकि वहां के कन्वर्टेड लोग की जो आत्मीयता है भारत माता से, वो कनेक्टिविटी टूट जाती है। उन क्षेत्रों में, कुछ कुछ क्षेत्रों में मैंने भ्रमण किया है और वहां के लोग बोलते हैं कि हम भारत के हिस्से नहीं, भारत में होकर आप बोल रहे हैं कि आप भारत के हिस्से नहीं हैं, ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या उपाय? सबसे पहले हमें घर वापसी का जो महाअभियान है उसको
इन सुदूर वनांचलों में करते रहने की आवश्यकता है। मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी, लाखों लोगों का उन्होंने घर वापसी किया। उनका एक स्टाइल था करने का, एक मतलब एक तरीके से करते थे घर वापसी। गंगा जल से पैर पखार कर, पैर धोकर वे धर्मांतरित लोगों की घर वापसी करते थे सम्मान देकर। लोग बोलते थे ऐसा क्यों करते हैं साहब, कुछ राजपूतों ने तो शुरुआत में इनको रिजेक्ट कर दिया कि ये तो ऐसा कर रहा है। तो पिताजी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बोला मैं हिंदू समाज के लिए कर रहा हूं, मैं राष्ट्र को मजबूत करने के लिए कर रहा हूं और ये मैं करता रहूंगा मरते दम तक। और वो क्यों करते थे, क्योंकि जिस कारण हिंदू धर्मांतरित हुए, ऊंच नीच भेदभाव जाति पाति छुआछूत, उन धारणाओं को पिताजी खुद एक उदाहरण बनकर कि वो एक राजा के पुत्र होकर भी एक आदिवासी या दलित के पैर धोकर उसका सम्मानजनक घर वापसी कर सकते हैं, तो और भी हिंदू क्यों नहीं कर सकते। वही हमें करना है, सम्मान देकर समाज के अंतिम वर्ग पर पहुंचकर निचले क्षेत्र में जाकर आत्मीयता से लोगों को जोड़ना है, एक कनेक्टिविटी बनानी है। जो सनातन पूजा पद्धति वो भूल गए हैं, उन्हें रीएस्टैब्लिश हमें करना पड़ेगा, जो हम नहीं कर पाए, इसलिए लोग धर्मांतरित हो रहे हैं। और ऐसे ये मिशनरी करते हैं और इसमें ये सक्सेसफुल होते हैं। जब तक हमारे लोग सुदूर वनांचलों में जाकर समाज के सबसे लोअर कास्ट के लोगों से मिलकर एक कनेक्टिविटी नहीं बनाकर अपनी सनातन संस्कृति को उनको नहीं बताएंगे, उनकी पूर्वजों का इतिहास उनको नहीं बताएंगे, तब हम अपनी सनातन संस्कृति को बचाने में सक्षम नहीं होंगे। ये हमें करना पड़ेगा। और इसीलिए जो हमारी टीम काम करती है, वो हर गांव हर पंचायत में धर्म रक्षा समिति बनाई है, जिसमें धर्म सैनिक हैं जो एंटी हिंदू एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं, कन्वर्जन्स, गौ हत्या, ऐसे एक्टिविटीज मॉनिटर करके इनको रोकते हैं। और एक गांव एक मंदिर अभियान हमने चलाई है, जिन क्षेत्रों में मंदिर नहीं है उन क्षेत्रों में हम मंदिर बनाते हैं, ताकि जो क्षेत्र है हिंदू में हो सके, वहां कन्वर्जन एक्टिविटीज पे नियंत्रण हम कर सकें। ये गतिविधियां हम कर रहे हैं इसको काउंटर करने के लिए। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी टीम ने कई राज्यों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में घर वापसी अभियान जो मेरे पिताजी करते आए, उस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और 15,000 से ज्यादा लोगों की हमने घर वापसी करवाई। सीमित साधनों से अंडर द थ्रेट, हमें थ्रेट मिलता, हमारे कार्यकर्ताओं पे आक्रमण होते हैं, धमकियां मिलती, लेकिन हम डरते नहीं, हम उतना ही प्रबलता से आगे बढ़ते हैं सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए। जो डरेगा वो एक काम को आगे बढ़ा नहीं सकता, इसलिए हमें भी करना है, घर वापसी करना है और जमीनी स्तर में काम करना है। मेरा ये मानना है कि हिंदू बनाना और हिंदू बचाना मंदिर बनाने से ज्यादा पवित्र काम है, क्योंकि हिंदू ही मंदिर बनाएगा। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव हिंदूज। और ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में लगातार चलते आना चाहिए। हमें वो अजगर को आइडेंटिफाई करना है और चीटी बनके उसका नरसंहार करना है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि भारत गीता गौ माता गंगा का देश है, इस देश में किसी आयातित धर्म की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक हम हिंदू योद्धा हैं, हम किसी की शिखा किसी की जनेऊ कटने नहीं देंगे।
ये करना पड़ेगा, प्रतिकार हमें करना पड़ेगा, मिलकर काम करना पड़ेगा। और भारत को अगर हमें जानना है, पहचानना है, तो हमें स्वामी विवेकानंद का अध्ययन करना पड़ेगा। और स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और उन्होंने यह भी कहा था कि अगर एक हिंदू धर्मांतरित होता है तो एक हिंदू कम नहीं होता, भारत का एक शत्रु बढ़ जाता है। कि क्यों हिंदू किसी जाति मजहब नहीं, राष्ट्रीयता का प्रतीक है। इसलिए आइए मिल करके हिंदुओं की रक्षा करें और भारत को आगे बढ़ाएं। और जब तक आखिरी धर्मांतरित व्यक्ति का घर वापसी नहीं होता, मैं प्रबल प्रताप सदैव संघर्ष करता रहूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आइए मिलकर काम करें सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए और पुनः भारत को सोने की चिड़िया नहीं, हमें गरुड़ बनाना है, गरुड़ बनाना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा छात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा छात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा छात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा।